हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम विद अंजू। और दोस्तों, आज का व्लॉग शूट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज का दिन है ही इतना खास। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भगवान शिव है और भगवान शिव का ही आज दिन है। आज है महाशिवरात्रि और आज का दिन मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग भी रहा है। बहुत सालों के बाद आज हम लोगों को भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव की पूजा करने का मौका मिला है। जी हाँ, आज भगवान शिव की कृपा से हम पति पत्नी करने जा रहे हैं रुद्राभिषेक। तो ये पूजा पंडित जी कैसे संपन्न कराएंगे, आपको इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और देखना है भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक की पूजा कैसे होती है। और आपके मन में जो भी विशेष हो वो आप अपना भगवान शिव से मान सकते हैं। दिन बेहद शुभ दिन हो जाता है भगवान शिव और पार्वती के कारण। आज के दिन अगर कोई कहते हैं एक लोटा जल भी सच्चे मन से भगवान शिव को अर्पण कर देता है तो उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, अब हमारे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। तो आज तो देखिए, हम लोगों पर उनकी कृपा हुई है, तो उनकी भगवान की कृपा के बिना कोई भजन भोजन कुछ नहीं कर सकता है। तो आज भगवान शिव की कृपा से हमें यह मौका मिला है भगवान की पूजा करने का। तो आप तैयार हैं ना हमारे साथ इस रुद्राभिषेक की पूजा में? तो चलिए दोस्तों, उससे पहले आप सबको हम दोनों की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं शुभकामनाएं। तो आप तैयार हैं ना मेरे साथ इस पूजा में चलने के लिए? तो चलिए, ये पूरा मंदिर मैं आपको घुमा रही दोस्तों। ये हमारे एरिया में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत सुंदर शिव मंदिर है। मैं पूरे मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगी। और आज की पूजा के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, मतलब साल के बीच में तो मैंने रुद्राभिषेक पूजा की है, लेकिन शिवरात्रि पे बहुत कम मौका मिल पाता है मंदिर में इस तरीके की पूजा करने का। तो पहले आप इस पूरे मंदिर के दर्शन करिए। अमुक गोत्र उत्पन्न गोत्र बोलिए ओम ओम इति इति सर्वे सर्वे शिव शिव अभिषेक अभिषेक जिस कामना के लिए अब तक उस कामना का नाम लीजिए। गुप्त ओम कामना सिद्धार्थम ये सर्व आयुरो सपत्नी सहितम ध्याय ध्यानम संकल्प कुर्याताम शुभ्रम चह करिष्य अब जल चढ़ाइए। हरि ओम महा ओम हरि ओम मा गणानां त्वा गणपति गंधवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गंधवामहे निधीनां त्वा निधपति गंधवामहे वसो मम अहम जानि गर्भत्वं जासि गर्भदं महामयो भवाय च मयकराय च स्यूतराय च शिवशंकराय च ओम हौं रुंजुंसा भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनमुर्वारुकमेव बन्धनात्मृत्तौर्मुक्षीयं मम नमः। ओम नमस्ते रुद्रमनयो ऊतोयिघवे नमः बाहुभ्यामुदते याते रुद्रं दिवातनूर्घोरा अवकाशिनी यामगिरिसंताभ्या चकासी शहद घी थोड़ा सा। बंद कर दिया।
अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानयत् कश्चयं दासस्तकाद्भद्रकां पीलवासिनीं भावं महिमनः पारन्ते परमविद्युयतसोजसी यस्तुत्तब्रह्मादीनामपि तदवसन् सत्त्वै गिराधावाचा सर्वाकामतिपरिणः मावधिकरणं ममापे अस्रोते हनिर्भवादः परिकरहरतीतापन्थानं कवचा महिमा भावम् प्रतूतव्यावृत्यायं जगितमभिधपरं कर्कं मधुस्फीतावाचः परमं नित्यस्तौ ब्रह्मणि किमवागमसरोरं ममं कर्तं वाणी गुणगतपस्थो भावानि मम प्रावलते संसङ्गारे हराय नमनंसा ॐ जन् सुखे कृते शक्तो मृणाय नमो प्रसङ्गे सागरे ॐ नारायणाय गायत्री त्रिशन्दा वेदसंज्ञेयं जागाघोषितमनन्तया दिवतं मायश्चं दिवतं मायश्चात् सोचे भेद दैवतं दूरङ्गम ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्न मे मनः शिवसङ्कल्पयेन कर्मण्यासो मनीषणो यज्ञो कर्म भेद धीराय पूर्वं यज्ञामं प्रजानं तन्न मे मनः शिवसं यद् प्रज्ञानम् नीचे रख दो ना करो ॐ जग्गोपवीतं परमं पवित्रं प्रजासुपतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभम् आज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह जोई जय जय अविनाशी सकटवासी व्यापक परमानंद तीतम चरित्र पुनीतम माया रहित मुकुंदा चेहिलाग विरागी अति अनुरागी विरन को पुत्र देत निर्धन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे से अधीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहार ओम जय शिव ओंकारा बोली भज शिव ओंकारा
ब्रह्मांग निधार ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरान पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसादन तो दोस्तों हमारी रविशेख की पूजा संपन्न हो चुकी है। बहुत अच्छी पूजा पंडित जी ने कराई है और भगवान शिव से मैंने अपने लिए मेरे सब्सक्राइबर के लिए और जो मेरे व्यूअर्स हैं सबके लिए यही मंगल कामना करी है कि जो भी आपके मन में हो वो आपकी विशेष सारी पूरी हो, आपके घर में सुख शांति रहे, मेरे घर में सुख शांति रहे, देश समाज में सुख शांति रहे। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की ये पूजा कैसी लगी। तो हमसे कोई गलती हुई उसे भी माफ़ कर देना, और अगर आपको मेरी ये पूजा अच्छी लगी है, ये वाला भगवान शिव का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो और हाँ हिट द बेल आइकन। तो दोस्तों आपसे मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हम दोनों की तरफ से अपनी शिवरात्रि।